हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअल। काफी बच्चों का कमेंट सेक्शन में कमेंट था रिगार्डिंग लोन फैसिलिटी ऑफ बैंक्स, कि जो बैंक एम्प्लॉय ले वो एज ए क्लर्क ज्वाइन करें या कोई सबोर्डिनेट स्टाफ के तौर पे ज्वाइन करें या बैंक पीओ ज्वाइन करें, तो वहां बैंकर्स के लिए लोन फैसिलिटी क्या है। तो लोन फैसिलिटी जैसे मैंने कई चैनल्स पे वीडियो देखे हैं इससे रिगार्डिंग, तो उन्होंने बता दिया भी आपको हाउस बिल्डिंग एडवांस मिलता है, आपको ये फेस्टिवल लोन मिलता है, व्हीकल लोन मिलता है, बट कहीं ये नहीं बताया कि भाई मिलता है, कितना मिलता है, एलिजिबिलिटी कब होती है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो आज के सेशन में अपने इन सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट लोन फैसिलिटीज हैं वो आप कब अवेल कर सकते हैं और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट, रीपे का क्या तरीका रहता है, कितना मैक्सिमम लोन आप ले सकते हैं, इन सभी चीजों पर डिटेल में इसका डिस्कस करेंगे, ताकि जो बच्चे एज ए बैंक पीओ और क्लर्क ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके दिमाग में ये रहे कि इन चीजों का भी फाइनेंशियल जो बेनिफिट है वो किस लेवल तक है। राइट, चलिए शुरू करते हैं। इसमें अगर आप देखें सबसे पहले सबसे बड़ा बेनिफिट है हाउस बिल्डिंग लोन। आपको कोई घर खरीदना है वो भले आपका हाउस ओन हाउस हो, फ्लैट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें कुछ इन्होंने कंडीशन डाल रखी है, भाई फ्लैट है तो वो 30 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और है अगर आप प्लॉट भी खरीद रहे हैं तो उसके लिए भी वो लोन देते हैं। तो एक तो घर का हो गया, दूसरा व्हीकल, अगर आपको कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेना है तो उसके लिए लोन हो गया। फिर कंज्यूमर्स, जैसे आपको कोई घरेलू सामान खरीदना है, भाई टीवी है, फ्रिज है, आपका वॉशिंग मशीन है, इस तरह के इन कंज्यूमर्स के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो उसका क्या है। फेस्टिवल एडवांस, किसी भी त्योहार के लिए जो एडवांस लेते हैं उनका क्या है। आपके बच्चे जो बड़े होंगे तो उनके एजुकेशनल जो लोन है तो उनकी क्या फैसिलिटी है। जो आपका पीएफ कटेगा उस पे कभी आपको नीड हुई तो उसमें लोन है तो वो क्या, इस तरह के जो ये लोन है। तो इसमें आप अगर देखें तो सबसे बड़ा जो है वो है हाउस बिल्डिंग लोन। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जितनी भी चीजें हैं इन सब में आपका जो इनको सॉफ्ट लोन बोलते हैं, जो भी लोन है वो सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें सिंपल है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप सभी बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम क्रैक करके आए तो आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का तो आई थिंक फर्क समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये सभी सिंपल इंटरेस्ट है और जो जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है उससे ज्यादा भी कम। तो हाउस बिल्डिंग एडवांस का अपन सबसे पहले ये देखें कि किस अमाउंट के लिए किस लेवल का बंदा इलिजिबल है। तो अगर मैं कैटेगराइज करूं इनको, सब स्टाफ हो गया मान लो एक, फिर एक क्लरिकल ग्रेड होगी, और फिर जैसे ऑफिसर्स अप टू एजीएम हो गए, और फिर डीजीएम एंड अदर। अगर इस तरीके से मैं कैटेगराइज करूं अमाउंट के लिए तो सब स्टाफ का जो है ये अप टू 30 लैक्स की इनकी लिमिट है, और ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। लेकिन दूसरे बैंक्स में बड़ा डिफरेंस है। जैसे मेरे एक मित्र हैं इसी में, एसबीआई में एजीएम है, उनसे एक दिन चर्चा किसी दूसरे मैटर पे हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो ओबीसी है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, उसमें इंप्लॉयज के फैसिलिटी, इंप्लॉयज के लिए फैसिलिटीज, सैलरी को छोड़ दें जैसे ये 2 इंक्रीमेंट ज्यादा देता है, 4 देता है, वो एक अलग है, बट इंप्लॉइज को जो फैसिलिटीज मिलती है वो हमारे से ज्यादा है। तो आप ये मत मानिए कि एसबीआई दे रहा है दूसरे नहीं दे रहे। जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू बैंक्स हैं जिनके लिए आप एग्जाम क्रैक करके आए, वो मोर और लेस यही फैसिलिटी दे रहे हैं। कोई बड़ा बिग डिफरेंस वहां नहीं मिलेगा, हो सकता है कहीं आपको उनसे बेटर भी मिल जाए। तो सब स्टाफ को अप टू 30 लैक्स है, फिर जो क्लर्क हैं वो अप टू आपके कितना है 45 लैक्स है, अप टू एजीएम पीओ, ये इसी कैटेगरी में एज ए पीओ आप ज्वाइन करोगे तो इसी में आओगे, पीओ से लेके एजीएम तक ये सभी अप टू 60 लैक्स। और एजीएम एंड अबव ये अप टू 80 लैक्स। राइट, तो ये तो हो गया कि आप कितना लोन ले सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, टोटल लोन जो है, टोटल लोन जो भी आप लेंगे तो उनका जो ईएमआई है वो आपकी सैलरी का शुड नॉट बी मोर देन, शुड बी इक्वल और लेस देन 40% ऑफ सैलरी।
आपका जो सैलरी है उसके 40% से ज्यादा की आपकी ईएमआई नहीं होनी चाहिए, ये राइडर जरूर होता है, जिसमें आपके सभी लोन की ईएमआई इंक्लूड होगी, आपके हाउस बिल्डिंग एडवांस की, आपके व्हीकल लोन की, कंज्यूमर लोन की, जो भी है, सभी ईएमआई 40% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये राइडर है। उसके बाद ये लिमिट है कि इतना लोन आपको मिल सकता है। फिर दूसरी बड़ी चीज हुई, वो ही रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका है अप टू 40 लैक्स, इसमें भी अमाउंट से है, तो अप टू 40 लैक्स जो 40 लाख तक के लिए है, 6.75% सिंपल इंटरेस्ट है, ये जरूर ध्यान रखिए। और जो अबव 40 है वो 8 लैक्स, अबव 40 ये 8.08%, बट है वो भी सिंपल इंटरेस्ट, राइट। और जो इसका इलिजिबिलिटी, देन बड़ी चीज आई, इलिजिबिलिटी। इलिजिबिलिटी कब होगी? तो ये जब भी आपकी 5 साल की सर्विस, 5 ईयर्स सेटिस्फैक्टरी सर्विस, 5 ईयर्स कंफर्म, मतलब आप पे टेम्परेरी सर्विस नहीं होनी चाहिए, कंफर्म सेटिस्फैक्टरी सर्विस। तो इसमें आपका जो प्रोबेशन पीरियड है, जैसे आप एज ए पीओ या एज ए क्लर्क ज्वाइन करते हैं, जैसे आपने 6 महीने का या 2 साल का, जो भी आप पीओ का या क्लर्क का प्रोबेशन पीरियड रहा, वो इसमें इंक्लूड है, उसी उसको भी वो लेंथ ऑफ सर्विस जो 5 साल की है, वो उसमें काउंट करते हैं। तो 5 साल बाद आप इसके लिए एंटाइटल हो जाते हैं, बहुत बड़ा बेनिफिट। अब इसमें अगर अपने फाइनेंशियली देखें, तो जैसे मैं अज्यूम कर लेता हूं कि 40 लैक्स का आपने एज ए पीओ ज्वाइन किया, 40 लाख का आपने 5 साल बाद में लोन लिया, 40 लैक्स, ठीक है। और एक कोई दूसरे 40 लाख का, जैसे उस वक्त आपको 30 साल के लिए उन्होंने, 30 ईयर्स के लिए रिपे का जो है वो, जैसे 30 साल उसमें रख दिया भी, उस वक्त जो भी आपकी उम्र जैसे 30 के अराउंड है, 30-60 तक का आपको दे दिया, हालांकि 70 तक अलाउ कर देते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे 30 साल आपने अज्यूम कर लिया कि 30 साल के लिए लोन लिया, तो आपकी ईएमआई जो है वो, आपकी ईएमआई करीब करीब आएगी 22,300, राइट, 40 लाख। और अगर कोई नॉन बैंकर है, अगर कोई नॉन बैंकर लोन लेता है वही 40 लाख का, और 30 साल में वो कहता है कि मैं रीपे करूंगा, तो उसकी ईएमआई आएगी करीब करीब 40,200। तो ये जो डिफरेंस है 22,300 और 40,200, करीब 18,000 का जो डिफरेंस है, ये एक तरह से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट है। जैसे वाइफ हस्बैंड आप दोनों जॉब में है, दोनों ने लोन ले लिया 40-40 लाख का, 80 लाख का जैसे आपने लोन ले लिया, और तो आप ये मानो कि 35-36 हजार रुपये महीने का तो आपका ये मीटर शुरू हो गया। हालांकि इसके ऊपर एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है कि कितना परसेंट इसमें टैक्स लगता है, लेकिन ये जो इंटरेस्ट का जो बेनिफिट हुआ, ये आपकी लोडिंग में जरूर जुड़ता है इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स का जो रिटर्न फाइल होता है उसमें जो ये बेनिफिशरीज जो होते हैं इसके डिपेंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट के, तो वो पार्ट उसमें जाता है, तो उसका थोड़ा बहुत चलो कम कर लो, लेकिन फिर भी काफी बड़ा बेनिफिट है, राइट। तो ये आई थिंक हाउस बिल्डिंग वाला आपके पूरा क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास ऑलरेडी किसी के पास घर है, उसको रिनोवेट करवाना चाह रहा है, उसमें कोई अल्टरेशन करवाना चाह रहा है, तो उसके लिए भी अगर आपने पहला लोन आपका पूरा आपने भर दिया है, जैसे कुछ सीनियर लोग हैं जिन्होंने बहुत पहले लिया था, उन्होंने पूरा लोन डिस्पर्स हो गया उनका, और वो नया भी लोन लेना चाहिए, तो सेकेंड टाइम भी मिल जाता है अल्टरेशन के नाम पे, मॉडिफिकेशन के नाम पे, रिनोवेशन के नाम पे, तो वो लोन की फैसिलिटी भी है, और वो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। दूसरा बड़ा है आपके व्हीकल। तो अगर आपने व्हीकल लोन का देखें, तो व्हीकल लोन में जैसे ही आप प्रोबेशन क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और इसमें है दो तरह के व्हीकल हो गए, जैसे एक तो टू व्हीलर हुआ, एक वो आपका टू व्हीलर और फोर व्हीलर। तो फोर व्हीलर के लिए आई थिंक इसमें बेसिक पे है 24,675, फोर व्हीलर के लिए मोर देन बेसिक कितनी होनी चाहिए, उससे नहीं है 24,675, 24,675। हो सकता है अभी जो ये नया जो सेटलमेंट हो रहा है इसके बाद ये रिवाइज हो जाए, लेकिन 24,675 से ज्यादा जिनकी बेसिक पे है किसी भी उस पे हो, तो उनको ये मिल जाता है फोर व्हीलर का लोन। टू व्हीलर, तो टू व्हीलर की लिमिट आपकी
अगर ऑफिसर के लिए देखें तो ऑफिसर्स के लिए ये 90,000 है और क्लर्क के लिए 75,000 है। और साथ ही कंडीशन ये है कि 10% मार्जिन मनी तो है इसमें, मतलब आप अगर कोई व्हीकल ही ऐसा ले रहे हो जिसकी 75,000 कीमत ही नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, 90% से ज्यादा आपको लोन नहीं मिलेगा। फोर व्हीलर में जो मार्जिन मनी है वो मार्जिन मनी आपकी ये है शायद 20, हाँ 20% आपकी मार्जिन मनी है। ये पहले तो कार ये मैक्सिमम इसकी लिमिट 3.5 लाख होती थी, लेकिन अब शायद ये रिवाइज करके 10 बैंक टू 15 सैलरीज तक ये शायद इसकी लिमिट 10 से 15 सैलरी तक इसका कर दिया है। और 7 ईयर्स इसका रीपे है, रीपे का आपका जो इसका है व्हीकल का वो रीपे 7 ईयर्स है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट है और 9.95% सिंपल इंटरेस्ट, ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये एक तरह से ना के बराबर बर्डन होता है आपके, और पैसा नहीं बनता। जैसे आपने 7 साल में रीपे कर रहे हो, 5 लाख का ब्याज लिया तो 7 साल में रीपे पे कर रहे हो, इसका मतलब आपने करीब करीब 3.5 साल आपके पास पैसा रहा, तो 10% तो 35% ही उसका जुड़ा, ठीक है ना। तो बहुत कम है ये बर्डन, बहुत छोटा है ये सिंपल, और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो इसमें फेयर है वो सबसे बड़ा है। तो ये इस तरह से व्हीकल है। देन अगर आपने देखें एक फेस्टिवल एडवांस भी मिलता है और उसकी वापिस पे करने की 12 इंस्टॉलमेंट्स उसकी होती हैं, तो ये तो हालांकि छोटे बेनिफिट्स में से है, बहुत बड़े बेनिफिट नहीं है। और इसको अगर फेस्टिवल एडवांस की लिमिट देखें तो ये सब स्टाफ के लिए, ये आपका 15,000 है मैक्सिमम, और क्लर्क के लिए ये 20,000 है मैक्सिमम, और ऑफिसर के लिए 25,000 मैक्सिमम मिनिमम। शायद इसमें मिनिमम आई थिंक 8,000 अभी है, 8,000 मिनिमम है, मैक्सिमम सभी स्टाफ 15, इसके 20 और इसके लिए 25,000 है। तो ये इस तरीके से फेस्टिवल एडवांस है। और इसके अलावा आप देखें तो आपका जो पीएफ कटता है, जब आपको नीड हो तो पीएफ से आप दो तरह के लोन ले सकते हैं, एक जिसको आपको रीपे करना है जो आपकी सैलरी में से वापस डिडक्ट होता है, एक नॉन रिफंडेबल भी इसमें हो जाता है। जैसे आपके कोई बच्चे की शादी आ गई, बच्चे का मुंडन आ गया, तो या और कोई पर्पज आपका हो सकता है उसमें वो आपको दे देते हैं। और इससे पीएफ का हो गया। इसके अलावा अगर आपको कभी एजुकेशनल लोन भी बच्चों को चाहिए वो भी मिल जाता है। उन्हीं में सभी में इनमें कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट। तो जब भी आप बैंकिंग सेक्टर की सर्विस ज्वाइन करें तो एटलीस्ट पहले ये जरूर गुणा भाग कर लें कि आप 40% जो मैक्सिमम लिमिट है, 40% ऑफ पे इतनी ईएमआई आपकी जो जाएगी, और वो कितना फर्क डिफरेंस क्रिएट करके वापिस आपके पास लाएगी वो जरूर जोड़ बाकी कर लें। क्योंकि सबसे बड़ा हाउस बिल्डिंग में, जैसे अभी अपन ने देखा 40 लाख की लिमिट में भी अगर जो लोग 80-80 लाख के लिए हुए बैठे हैं उनको तो बहुत बड़ा फर्क है। मतलब वो तो आप मानो एक एक कैंडिडेट है, अगर दो कैंडिडेट घर में है तो 80-80 हजार रुपये महीने का फर्क पड़ गया, नहीं तो 35-40 हजार, तो एक कैंडिडेट भी डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो ये सब चीजों को आज के सेशन की मेन वजह यही थी कि भाई आपको मैं ये चीज बता पाऊं कि हाँ, एक हाउस बिल्डिंग एडवांस में मैं एक्स सर्विसमैन के लिए बताना चाहूंगा कि एक्स सर्विसमैन में जो 5 साल है वो पीरियड अगर आपने पहले किसी गवर्नमेंट सेक्टर में ज्वाइन किया है, सर्विस की है, वहां कोई भी तरह का हाउस बिल्डिंग एडवांस नहीं लिया है, तो आपके लिए 2 साल की लेंथ ऑफ सर्विस बैंक की सफिशियंट है। ओवरऑल आपकी कम से कम 5 होनी चाहिए, तो 2 साल कम से कम बैंक कंफर्म सर्विस 2 साल, और ओवरऑल 5 एक्स सर्विसमैन के लिए, क्योंकि उसमें जो पीछे आप जो हाँ जॉब करके आए हो उसको भी उसका वेटेज आपको एडिशनल मिल जाता है। बट आपका लोन लिया हुआ पहले से हाउस बिल्डिंग एडवांस लिया हुआ नहीं होना चाहिए पहले वाले एम्प्लॉय। तो आई थिंक आज के सेशन से आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए। फिर भी अगर कोई मन में क्वारी रहेगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आए और कमेंट करें, और मैं उस कोशिश पूरी करूंगा कि आपकी वो रिजॉल्व करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ नाइस डे।